शनिवार को जिस तरह सीतापुर में दबंगों ने सिपाहियों पर हमला कर पुलिसिया इकबाल को खुली चुनौती दी वो हैरान करने वाला था। मानपुर में दबंगों के मंसूबे इस कदर बुलंद है इसका अंदाजा शायद वर्दीधारियों को भी नहीं था। तभी तो निर्माणाधीन मकान के विवाद का निपटारा कराने पहुंची पुलिस खुद वारदात का शिकार हो गई। फूलपुर में रास्ते के विवाद की सूचना पुलिस को मिली थी, मौके पर तत्काल दो सिपाही रवाना हुए। सिपाही कर्मवीर प्रदीप मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस के सामने ही पूर्व प्रधान श्याम सुंदरी का बेटा सुनील दूसरे पक्ष से भिड़ गया। सिपाहियों ने निपटारा कराने की कोशिश में बीच बचाव किया, लेकिन सिपाहियों का दखल होते ही सुनील साथियों के साथ सिपाहियों पर टूट पड़ा, जिसमें आरक्षी कर्मवीर को गंभीर चोटें आई हैं। यहां तक कि फायर में फ्रैक्चर होना भी बताया जा रहा है। पुलिस पर हमले की सूचना जैसे ही मिली एसपीआरपी सिंह सीओ व कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई और देखते ही देखते फूलपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। घायल सिपाहियों को सीएससी बिस्वा लाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में सिपाहियों के पहुंचने पर इमरजेंसी के गेट को अंदर से बंद कर दिया गया ताकि पत्रकार घायल सिपाहियों का फोटो ना ले सके। यहां तक इस दौरान आए मरीज भी बाहर तड़पते रहे। एसपी दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बयान जारी कर बताया कि 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और घायल सिपाही का इलाज करा दिया गया है। मानपुर के ग्राम फूलपुर में एक भगवती गुप्ता और रामाश्रय पक्ष के मध्य एक गली को लेकर विवाद चल रहा था। उसी की जांच में आज थाने के दो कांस्टेबल आए हुए थे और दोनों पक्ष आपस में यहाँ मारपीट करने लगे और दोनों आरक्षी उनको छुड़ाने में लग गए थे। इसी बीच में एक डंडा सिपाही के पैर में लग गया और सिपाही का इलाज करा दिया गया है और मुकदमा थाने में दर्ज किया जा रहा है। करीब 18 आदमी हिरासत में लिए गए हैं। मौके पर शांति की व्यवस्था बनी हुई है, पुलिस बल यहाँ पे लगा दिया गया है। मानपुर से आई इंडिया के लिए मदन सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।